नमस्कार दोस्तों, आज हम निकले हैं अपने गांव से भगवान नरसिंह देवता की डोली को लेकर दशरथ पर्वत पर। और सुबह 8 बजे हम निकले थे अपने घर से और अभी करीबन करीबन 12 बजने वाले हैं और हम आधा रास्ता से ज़्यादा हम तय कर चुके हैं। और पीछे का देख रहे हो आप, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही ख़तरनाक। तो दोस्तों, बोलते हैं ना वादियों में ही जन्नत है, तो ये जन्नत से कम नहीं है। फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको। लोग बना चौल कई हमने कई बना में चौल चौल यूँ बनला वो तीनों साले बोले लोग थी अमरनाथ तीनों से नहीं बना चौल 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 नहीं बना चौल 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 अभी आप कई जीवन में बना अभी मैं तार नाम ले यार पूरे बोला अभी तार नाम बोलों चाहिए था ले बताओ यार। हर महादेव है आवाज आवाज मतलब आवाज है नहीं, बस कल भी हो आवाज। तो लीजिए दोस्तों, देख लीजिए पहाड़ की हसीन वादियों को और निहारते रहिए, क्योंकि ऐसी वादियाँ आपके शहरों में नहीं, हमारे पहाड़ों में मिलती है दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, हम अपने घर से करीबन करीबन 11 किलोमीटर दूर पहाड़ में हैं, बिल्कुल सबसे टॉप शिखर पर। और यहाँ पर हम ही नहीं बल्कि हमारे गाँव वाले सभी इंजॉय कर रहे हैं, जो अभी हमारे साथ इस ट्रैक पर है। अभी ये सामने हमारे भाई लोग जो हमारे साथ है, फुल इंजॉय चल रहा है, फुल इंजॉय चल रहा है। कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, कुछ लोग बीच में हैं और हम इन वादियों में घूम रहे हैं। और साथ में हमारे पास में ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में लगे हुए हैं फल, लेकिन कोई खाने लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना सफ़र एक बार फिर से आगे की तरफ चलते हैं। और अभी सामने हमारे भाई साहब जा रहे हैं और हमारे आगे पीछे ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें डरने की वैसे कोई बात नहीं, पर लेकिन अगर यहाँ पर कोई अकेला बंदा आता ना, तो यकीन मानो उसको इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्योंकि बिल्कुल सुनसान एरिया है यार। कम से कम यहाँ पर 2-3 बंदे भी आएंगे ना साथ में, तो वो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे इस जगह को, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। आपको इसी तरह की जगह मिलेंगे। नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर ये छोटा सा बना हुआ है पानी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना आसपास में जो गांव वाले हैं, तो उनकी जगह होने के नाते यहाँ पर काम चलता रहता है, जैसे प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का है ना, जिला पंचायत का। तो इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे काम चलता रहता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये पेड़ भी काट रखे हैं, ये अपने आप कटे नहीं है बल्कि इनको काटा गया है, क्योंकि और इन 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 पेड़ों से ना, ये जो चीड़ के पेड़ है, इन चीड़ के पेड़ों से भी यहाँ पर क्या होता है, वो जो चीड़ के पेड़ से निकलता है ना शहद टाइप का, वो भी ले जाया जाता है। सीसा क्या बोलते हैं उसे, लीसा जो यहाँ से ना वो ले जाया जाता है, उसके भी बहुत सारे उपकरण बनते हैं। तो हम अपनी यात्रा को ना धीरे धीरे आगे चलने पे लगे हुए हैं। अब यहाँ से लग रहा है कि जो पाँव है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जब नीचे से हम चलते हुए आ रहे थे तो हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी 8-9 किलोमीटर के आसपास। अब ये जो 2-2.5 किलोमीटर का जो ट्रैक रह रखा है, ये बिल्कुल इसी तरह से है जिसमें हमें सामने सामने चलना है, पर पाँव थोड़ा थके ज़रूर है पसीना से और बारिश से, हमारी टी शर्ट विशर्ट जितनी भी है सारी भीग चुके हैं। लेकिन जो मज़ा अब इन वादियों में आ रहा, जो हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, आहा मज़ा ही आ गया दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद जरूर लिया होगा। अब आगे का सफ़र मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे और मैं चाचा वरों से कह रहा था जो ये ऊपर ये सामने जो ये लाइन बिछा रखी है ना पत्थरों की, मैं कह रहा था कि यहाँ पर चाचा वरों ने लिया हुआ है। अब वो बता भी रहे हैं हाथ से कि वो नीचे हैं वहाँ तक मेरा हिस्सा है और फिर वहाँ आगे तक हमने लिया हुआ है, और सभी ऐसे ही कह रहे थे कि ऊपर से मेरा हिस्सा नीचे से मेरा हिस्सा है। तो ऐसी थोड़ी मस्ती मस्ती चल रही थी, बता रहे ना यहाँ तक मेरा है यहाँ से आगे उसका है। इस वीडियो में आप कहीं बोर न हो इसलिए हर पल आपके लिए म्यूजिक का तड़का मैं लगाते जा रहा हूं कि आप वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। जहां हमारे गांव में एक भी पेड़ वेड़ नहीं है, मतलब इतने हरे भरे नहीं है, इतनी घास नहीं है, वहां ये देखो, यहां यहां देखो ना, यहां की घास देखो। नज़ारे ही आ गए भाई, नज़ारे। तो ऐसे नज़ारे आपको ऊंची पहाड़ियों में ही मिलेंगे। और एक बार मैंने पहले का ना यहाँ पे ब्लॉग बनाया था, और आई थिंक वो ब्लॉग आप लोगों में से बहुतों ने देखा भी होगा। यहाँ पे एक सिला है लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे घर है, ये पंचायत घर है, और यहाँ पर लगता है मेला। जब कृष्ण भगवान का जन्म जिस दिन होता है उस दिन यहाँ मेला लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको जितने भी पेड़ दिखेंगे ये बांज के ही दिखेंगे। यहाँ पे बांज और बुरांस इन दो चीज़ों के ही पेड़ दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक पर छोटे बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ पर बहुत संकरा मार्ग है, बिल्कुल छोटा सा। अगर कोई फिसल गया तो एक बहुत गहरी खाई में जाके गिरेगा, इसलिए यहाँ पर जो भी आता है उसको अपने रिस्क पे आना पड़ेगा और संभल कर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब रात को पाला गिरता है तो ये जो सतह होती है बिल्कुल फिसलन जैसी हो जाती है, तो यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब कुछ ही पलों में हम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। आप इस यात्रा पर कभी भी आओगे तो आप अपने साथ अपना सारा सामान लेके आना पड़ेगा आपको, और इस यात्रा पर अकेले कभी भी मत आना, क्योंकि इस यात्रा पर अकेला कोई भी बंदा यहाँ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल है और यहाँ पर अगर कोई आएगा तो अपने साथ किसी न किसी को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर पानी आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको नीचे गांव तक ही पानी है, उसके बाद आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा इस यात्रा पर। तो आप कभी भी आओ तो अपना सारा सामान इस यात्रा पर लेके आना। और आपको पानी मिलेगा तो सिर्फ पानी मिलेगा लास्ट में, एंड में जहाँ पर हम जा रहे हैं, हम उसी पानी के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो पानी यहाँ पर गंगाजल से भी बड़ा महत्व है उस पानी का। तुम कहाँ जाना है? हेलो 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 लड्डू उठा के जानी कहाँ जाने तुम? बाथरूम है। और लड्डू सिंह कहाँ जा रहा है? तो ये है आखिरी डेस्टिनेशन। यहाँ पर नरसिंह देवता को नहलाया जाता है, फिर उसके बाद पुनः वापस निकलने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों दशरथ यात्रा को
हम 3 साल में क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको नहीं वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों तो यहाँ पर अब नरसिंह भगवान जी को नहलाकर तैयार किया जा रहा है, इसीलिए जो ढोल नगाड़े जितने भी हमारे पास बाजे वगैरह है इन सभी को बजाया जा रहा है ताकि ये गूंज जो है ये हम सभी को हमेशा याद रहे कि हर 3 साल में हम क्यों नरसिंह भगवान जी को यहाँ पर लेके आते हैं। तुम बजा जरा भाई जरा। दोस्तों अब हम वापस आ चुके हैं नीचे गांव में, हमारे लिए खाने की व्यवस्था है। वहां से खाना खाने के बाद हम नरसिंह देवता को अपने गांव ले जाएंगे, वहां पर बाहर रखा जाएगा, जब तक बारिश नहीं आती तब तक वहीं रहेगा, उसके बाद फिर उसको नई यात्रा के लिए प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।